परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कोई हार्दिक पांड्या को बाहर ही नहीं कर सकता। सही बात है। बतौर कप्तान हार्दिक से बेहतर तो कप्तान ही नहीं है T20 में इस समय पर, बिल्कुल एक्सपीरियंस वाइज, रिजल्ट वाइज। लेकिन मेरे भाई ऐसा कैसे होगा कि मुंबई इंडियंस में कप्तान हार्दिक 2 साल तक और इंडिया में कप्तान सूर्या? इस सीजन हो गया था ना, रोहित ने करी तो वो तो जबरदस्ती पड़ गया था ना गले, वो तो भाई एंड मोमेंट पे जबरदस्ती गले पड़ गया था, वरना रोहित छोड़ देता, वो तो उसको करनी पड़ेगी। और कैसा खेला रोहित ने उसके अंडर देखा आपने। अब हार्दिक कप्तान मुंबई इंडियंस का और सूर्या कप्तान इंडिया का, और फिर जब इंडिया के लिए खेल रहा है तो सूर्या कप्तान। लेकिन इसमें पेच ये है, हो सकता है कि अगर सूर्या को कहीं से कप्तानी मिल गई तो फिर जो रिटेंशन वाली बात आएगी ना कि 4 प्लेयर रिटेन कर रहे हैं, फिर सूर्या वहां पे ये भी रख सकते हैं कि अगर मुझे रिटेन करना है तो या तो पहले नंबर पे रिटेन करो, और क्योंकि ऑप्शन है ना, इंडिया की कप्तानी मिल जाएगी तो आप ऑब्वियस ही बात है क्योंकि क्या अब हार्दिक को लाके हार्दिक को कप्तानी से हटा देगी मुंबई इंडियंस? क्या पता ये हो सकता है, अगर क्यों नहीं रख मुंबई, देखो मुंबई के लिए तो विन-विन सिचुएशन करके और प्लेयर सूर्या के पास ये राइट तो है ना बोलने का, बिल्कुल राइट से, कि अगर आपको इंडिया की कप्तानी मिल गई तो एट द एंड आपका थोड़ा सा कद तो ऊपर हो गया। और वाकई अगर इंडिया की कप्तानी सूर्या को मिल गई हो सकता है मुंबई इंडियंस भी बोल दे हाँ भैया आप ही हमारे कप्तान हो, हार्दिक पांड्या को जोर का झटका धीरे से नहीं, मुंबई इंडियंस बोल सकती है या तो फिर लेकिन खुद रिलीज हो इस सिचुएशन में भी मुंबई इंडियंस सूर्या क्यों हार्दिक रिलीज करेंगे भाई? एक सेकेंड, अगर आप मुंबई इंडियंस हैं आप इंडिया कप्तान रखना चाहेंगे अपनी टीम में कि नहीं? तो अगर सूर्या कप्तान बन जाए इंडिया का तो उनकी प्रायोरिटी होगी सूर्य कुमार यादव। अच्छा पहले रोहित शर्मा को क्यों छोड़ा? चलो भाई उम्र भी हो गई, अब रोहित शर्मा तो T20 से रिटायर भी हो गए, उससे पहले भी उन्होंने रोहित को छोड़ दिया था, कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर। उन्होंने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भैया सूर्य कुमार यादव बन जाएगा कप्तान इंडिया का। तो अब अगर सूर्या वाकई इंडिया कप्तान बन जाए, वो भी बिजनेसमैन है, वो सोचेगा चलो भाई लॉस हो गया, जो हार्दिक को पैसा देता लॉस हो गया, लेकिन इंडिया का कप्तान तो अभी भी हमारी टीम में है ना, तो भाई हार्दिक थैंक यू वेरी मच, गुजरात टाइटंस जाओ चाहे जो मर्जी जाओ, सूर्य कुमार यादव हमारा क्या पता सबसे पहला रिटेंशन सूर्या का हो, बट अरे हो गया भाई मुंबई के लिए तो ये सबसे पहला रिटेंशन, तो अगर उनमें अकल है तो बुमराह का होना चाहिए। कायदे से तो 4 रिटेंशन ही करना है बुमराह को, आपके लिए अभी भी मैं बोल दूं कप्तान सूर्या बने हार्दिक बने XYZ बने, सबसे बड़ा प्लेयर आपका बुमराह ही वो है। तो है ही। वो मैंने रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ भी बोला था, अल्टीमेटली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है T20 वर्ल्ड कप का? ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना हार्दिक पांड्या, ना अक्षर पटेल, ना कुलदीप यादव, ना XYZ, इट इज जसप्रीत बुमराह। सो सबसे बड़ा प्लेयर अभी भी मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह है। अगर वो आदमी अपना फुट डाउन करके बोले कि भैया मेरे को तो कप्तानी ही करनी है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हटा सकती, लेकिन वो ऐसा इंसान ही नहीं, वो इंट्रोवर्टिस टाइप इंसान है, और मुझे लगता है उसको कप्तानी का कोई इतना बड़ा चस्का भी है, मुझे एम्बिशन है, हाँ उसको दे दी जाए तो मना नहीं करेगा, लेकिन उसको कोई एम्बिशन नहीं है इस तरीके पर सूर्या को है, सूर्या को है, ये तो फैक्ट है। देखो सूर्या हार्दिक को पसंद नहीं, जब से हार्दिक बना हार्ट ब्रोकन सूर्या ने कभी भी उसकी, मैं बता रहा हूँ तारीफ एक पैसे की नहीं की, क्योंकि सूर्या कभी भी सूर्या ने ना उसको सपोर्ट दिया उस टाइम पे, मैंने तो नहीं देखा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, और सूर्या ने कभी भी उसको उसकी तारीफ भी नहीं करी, नहीं उसका रीजन है ना बिल्कुल ही, यहाँ पर क्या रीजन है? जब अब तारीफ क्यों नहीं करी वो तो गलत बात है, लेकिन जब हार्दिक गए गुजरात टाइटंस 2 साल के लिए, उस वक्त मुंबई का वाइस कैप्टन तो सूर्य कुमार यादव था, तो इनडायरेक्टली मुंबई इंडियंस ने तो भाई ये बोला ना कि रोहित नहीं है तो ना सूर्या में वो दम है ना बुमराह में वो दम है, हम तो कप्तान जी बाहर से लेके आएंगे, बाहर से लेके आएंगे, ठीक है। तो सूर्या जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया, जो देखिए ना कि उनमें दम नहीं है, उन्होंने उठा के ऋषभ पंत को तो नहीं बनाया ना, उन्होंने आईपीएल विनिंग कैप्टन को बनाया, नो डाउट। तो किसी को भी वहां पे मलाल नहीं होना चाहिए भाई, वो मेरिट पे आया, बिल्कुल आया मेरिट पे। आप वहां पे जल कुकड़े बन के बैठे वो अलग बात है, एज अ प्लेयर सूर्या यही डिमांड कर रहे होंगे ना भाई, यही सोच रहा होगा, डिमांड भी कर रहे हैं, डिमांड का कोई बेसिस होती है ना, वो फ्रेंचाइज बोले भाई वो तो जीत गया है नहीं, लेकिन वाइस कैप्टन था, लेकिन परफॉर्मर तो था ना एमआई के लिए भाई, 600 रन बनाना, 700 रन बनाना, तुम परफॉर्मर हो, तुमसे बेटर कोई मेरे को परफॉर्मेंस मिलेगा तो नहीं लेके आऊंगा क्या उसको भाई, लेके आऊंगा ना हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या, अब उनके मालिक ने अंबानी साहब ने ये डिसाइड करा कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और उन्होंने तो इसलिए भी डिसाइड करा कि इंडिया का कप्तान भी हार्दिक ही था, इंडिया का कप्तान भी हार्दिक था, अगर आप आज चेंज हो गया कि नहीं भैया हम सूर्या को बनाएंगे, विच इज अगेंस्ट शॉकिंग बाय द वे, सिर्फ एक चीज अगेंस्ट है हार्दिक के, अगर हार्दिक इन 2 साल में बिल्कुल फिट रहता है, सारी गेम्स खेलता है, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता सूर्या को कप्तान बनाने का। 1 साल तक हार्दिक ही कप्तान था, सूर्या वाइस कैप्टन था, हार्दिक ने अपनी कैप्टनसी में 1 IPL जिताया, 1 IPL में फाइनल तक गया, और वर्ल्ड कप भी जिताया, एंड में हार्दिक नहीं जिताया, तो
आज अगर आप सूर्या को बना रहे, ठीक है, मान लिया आपने बना लिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की वो कॉल गलत नहीं थी। अब मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि भाई आपने तो एक तरीके से, अब देखो हार्दिक रोहित के साथ खेला, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हार्दिक रोहित के साथ खेला, रोहित ने उस टाइम पे तो कुछ सपोर्ट नहीं दिखाया, बाद में आके चुमिया और झपिया और ये सब करा, ठीक है ना। अब आपने भी एक पैसे का सपोर्ट नहीं दिखाया, आपने भी कभी उसको एम्ब्रेस नहीं कराया एज वाइस कैप्टन, कैप्टन जो भी है, आपने कभी उसको ओपनली पब्लिक में, आप छोटे मोटे प्लेयरों के लिए भी ट्वीट कर देते, किसी के लिए भी कर देते, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा देते, हार्दिक के लिए तो मैंने नहीं देखी। आज आपको कप्तानी मिल जाए फिर आप वो झपिया पपिया फिर से शुरू कर दे उसको, है क्योंकि आपको उसका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है हार्दिक नहीं था आप ओडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए ना, हार्दिक के बिना ओडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, सूर्या को भी पता है कि बिना हार्दिक के वो नहीं जीत पाएगा, ऐसा ऑलराउंडर कोई भी अगर दो साल में अगर कोई और आप करना चाहिए ऑलराउंडर अगर बना सकते हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं है भाई। नहीं कोई भी कप्तान होगा, कोई भी कप्तान होगा वो हार्दिक को बाहर रख ही नहीं सकता एज अ प्लेयर, हार्दिक पांडे अगर फिट है तो। लेकिन वो वाला जो हम बात कर रहे थे ना कि सूर्या क्यों ना खुश हुए उस टाइम पे, जब हार्दिक को लेके भी आया गया था, याद कीजिए हार्दिक इंजर्ड थे जब कप्तान मुंबई का, अरे तो भाई उसमें हार्दिक की क्या गलती है, हार्दिक की गलती नहीं, आपने मैं आपको सूर्या वाला रीजन बता रहा हूं, सूर्या वाला रीजन कि वो इंजर्ड भी था, आपने प्लेयर को कप्तान बना दिया, मुंबई इंडियंस से हो ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, हार्दिक से क्यों गुस्सा हो रहा है, हार्दिक से नहीं मुंबई इंडियंस से गुस्सा ही होना है, मुंबई इंडियंस से गुस्सा होना ठीक है, उसमें हार्दिक की तारीफ क्यों नहीं करी आपने, मुंबई इंडियंस के तो हर फंक्शन में नाचे, उनका पर्सनल क्वेश्चन है, हो सकता है यही वजह हो कि भाई तुझे कप्तान बना दिया वहां पे जल के उन्होंने बैठा, लेकिन ये बात सूर्या के दिमाग में जरूर रही होगी कि मैं वाइस कैप्टन था, फालतू की बातें, और मुझे जो है उसमें उसको अगर प्रॉब्लम थी तो मुंबई इंडियंस से होनी चाहिए, हार्दिक से क्या प्रॉब्लम है, हार्दिक से तो ना रोहित को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी ना सूर्या को, ये जबरदस्ती जल के बैठ गए, लेकिन कोई तरक्की नहीं है, कोई प्लेयर आया है तो भाई वो मुंबई इंडियंस का डिसीजन है ना, बट ये तो यार आप वो मुंबई इंडियंस का डिसीजन, आपको वो एमआई एज अ फ्रेंचाइज आप देखो, आपको थोड़ा बहुत आएगा, आप पब्लिकली करोगे, नहीं पब्लिकली किसने पब्लिकली कराया इन्होंने और क्या, लेकिन अगर पोस्ट नहीं डाली है तो उसमें, अरे भाई आप जब उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट थी तब आपने नहीं करा, बाद में आप चुमिया करने आए, आईपीएल में रन तो मारे भर के मारा, ऐसा थोड़ी कि नहीं मारे, कितने मारे भाई, हार्दिक की बात कर रहा हूँ, नहीं हार्दिक अपने एंड से तो परफॉर्मेंस दे रहा, क्या परफॉर्मेंस थी, बुमराह है बट लेकिन सात मैच लगातार रोहित के रन नहीं थे, रो रहे थे वो बैठ के, रोहित शर्मा के तो नहीं थे, तीन डक थे और दो ठीक है, दो मैच में रन मारे उसने, रोहित नहीं नहीं फिर भी दो और बुमराह के उससे जाके जब कहानी खत्म हो गई थी तब रन आए थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि बुमराह के भी बुमराह का भी परफॉर्मेंस, बुमराह का तो मैंने मान लिया, चलो सूर्या का भी परफॉर्मेंस था, तीन चार मैचेस, आपको लगता है इन्होंने अपने मेरिट पे खेला था, हार्दिक को पूरा सपोर्ट करके खेला था, रोहित शर्मा को तो मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज रोहित शर्मा ने सात मैच में बिल्कुल ही इनकी इनकी परफॉर्मेंस से लग रहा था कि इनका सपोर्ट है हार्दिक को, यार अब सपोर्ट अपने रन बनाना और टीम को जिताने में जमीन आसमान का डिफरेंस है, और ये क्लियर हो गया था कि ये गुटबाजी हो चुकी है वहां पे, ये तो रिपोर्ट्स भी छप चुकी थी कि भैया थोड़े से गुट, ये तो ऑन द वॉल था, सबको दिख रहा था ये चीज, और ये होने के पीछे का रीजन भी था ना, अब आप ऑब्वियस सी बात, अरे भाई तो हार्दिक की गलती थी, और अगर आप एक साथ खेल रहे तो पूरी कमिटमेंट से तो खेलोगे, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में खेले कमिटमेंट से, वर्ल्ड कप में खेले, लीग में जब सारी चीजें चल रही है तो लीग में ओपनली सब कुछ करो, वर्ल्ड कप में खेले कमिटमेंट से, मैं कह रहा हूँ जो कमिटमेंट की बात है इंडिया के लिए खेली, लीग में जब जब तुम टीम हमारे लिए प्राइवेट रही है बाय द वे, और वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, देश के पैसा मिल रहा है, मतलब वो पैसा नहीं है, वो धोखा दोगे तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं, ऐसा तो है, कहीं पर भी आप खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ गली में भी खेलते ना बच्चों के साथ भी, तो भी आपकी टीम के लिए आपकी कमिटमेंट होती है 100%, तब जाके आप क्रिकेटर बनते हैं, ये तो बताइए मत कि भैया वहां पे कमिटमेंट नहीं थी तो हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, आपने छोड़ना था तो आपको छोड़ देना चाहिए था, और हार्दिक से तो नाराज होने का एक पैसे का इनके पास कोई रीजन नहीं है, जिस जिससे आपसे बड़े से बड़े से आप पूछ लीजिए क्रिकेटर से कि हार्दिक की तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, मुंबई इंडियंस की गलती थी, आप मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी से बात करते वहां पे तो आपकी हिम्मत नहीं है, वहां तो जाके नाच रहे हैं आप अंबानी की शादी में रोज, वहां क्या कर सकते, लेकिन हार्दिक पांडे को वहां तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कोई कुछ कर क्या सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हार्दिक को एम्ब्रेस करो फिर, आपने कुबरा भी एक चीज बोली ना कि जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड था तो उसको लेके आए थे और सूर्यकुमार यादव उस चीज से निराश थे, मजे की बात यह है जो ये डील हुई थी ना वो हुई थी एशिया कप से पहले, तब थे हार्दिक पांड्या ठीक,
ज्यादा दिक्कत नहीं थी, एशिया कप में खेल गए थे ना वो, एशिया कप के दौरान जो रिपोर्टेडली आया था कि जो मुंबई इंडियंस की डील हुई थी ऑल कैश डील, वो उस समय पे हुई थी जब हार्दिक पांड्या फिट थे, याद है आपको, तब पाकिस्तान नहीं लगता तो सिर्फ रिपोर्ट थी, लेकिन एक्चुअल तो वो मिनी ऑप्शन के बाद हुआ था ना। एक चीज देखो, हम लोग बात कर रहे हैं इंजरी प्रोन हार्दिक पांड्या एंड ऑल, जब से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया ना, हर चीज उस बंदे के अगेंस्ट ही हुई है, पता नहीं क्यों, अंदर की कुछ तो कहानी है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज उसके अगेंस्ट हो रही है। भैया मैच आ रहे हो, टीम पूरे आईपीएल में पहला प्लेयर है जिसको रिपोर्टेडली 100 करोड़ रुपए मिल गए, पहला प्लेयर है रिपोर्टेडली, इन द सेंस के दबी आवाज में लोग बोलते हैं, एक सीजन इतना पैसा उसको मिल गया एक सीजन में, जो कि इनको आसपास भी नहीं मिला, उसके किसी को भी नहीं मिला यार, किसी फ्रेंचाइज से, है ना। तो सिवाय जेलेसी फैक्टर के मुझे तो और कुछ नजर नहीं आता कि भाई एक बंदा तरक्की कर रहा है तो उसको पूरी कायनात से नीचे खींच लो। मैं तो अभी भी ये बोलता हूँ, चलो सूर्या को कप्तानी देने का डिसीजन हो सकता है ठीक हो, कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है ठीक हो सूर्या को कप्तानी देने का डिसीजन, बिकॉज वाकई हार्दिक की फिटनेस अभी रिमेन्स टू बी सीन, अगर वो 2-3 महीने में फिर इंजर हो जाए तो फिर आप कप्तान का क्या करोगे। 2018 के बाद से जब पहली इंजरी हुई थी, 24 में हमें 6 साल में हर 2 साल में 2-2 इंजरी हो रही है, लेकिन हर 2 साल में हर 1.5 साल में इसका काउंटर अटैक ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा जब से कप्तान बने 8-9 कप्तान आपके चेंज हो गए। नहीं, रोहित की बात का, यहां तो सूर्या की बात, वैसे बता रहा हूं सूर्या जो है, अगर आप ये है ना कि दोनों चीजों में आप सेम वो नहीं रखते, रोहित ने रेस्ट क्या लिया, रोहित कप्तान बने थे साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं गए थे 2 महीना इंजर्ड थे वो। अरे भाई वो उसी वक्त के बाद आप बताइए बीच बीच में छोड़ते रहे वो खुद, नहीं जब आपका ओडीआई चल रहा था तब आप T20 में आपके अलग कप्तान जा रहे थे, हार्दिक पांडे कप्तान बन रहे थे, ओडीआई सीरीज एक साथ बाहर कर रखा था 2022 सीरीज कौन सी छोड़ी ना, रोहित ने बहुत सीरीज छोड़ी है, कहां ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ी, एक दो सीरीज साउथ अफ्रीका वाली सीरीज रोहित ने छोड़ी जिसमें जाना था, इंडिया में साउथ अफ्रीका आई रोहित, वो जब कप्तान बने ही बने थे उस वक्त की सीरीज है, फिर बीच में उन्होंने ज्यादा सीरीज नहीं छोड़ी। देखिए जब टाइम बने तभी इंजर हो गए, इंजर ऑलरेडी चल रहे थे, नहीं चल रहे थे हो गए थे, वो आए थे वापस यूएई से, उन्होंने एक सीरीज खेली न्यूजीलैंड वाली सीरीज के साथ, न्यूजीलैंड वाली सीरीज तभी हो गए थे ना, अबे न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेलने के बाद हो गए थे वो, खेलने के बाद आप बोल रहे हैं कि चल रहे थे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेली साउथ अफ्रीका नहीं गए, तो मैं कह रहा हूं मापदंड दो क्यों नहीं हो सकते आपके। रोहित शर्मा ने भी, रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद 8-9 कप्तान आपके बदल गए थे, उन्होंने भी लगातार नहीं खेला। उसके पीछे का एक लॉजिक तो यही है ना जो कोबरा ने बताया, आपका ये था कि फॉर्मेट वाइज आपकी टीम चल रही थी, ओडीआई वर्ल्ड कप का सीजन है, आपके सारे मेन प्लेयर ओडीआई टीम में खेल रहे हैं, चाहे रोहित हो चाहे वो विराट हो चाहे जितने भी प्लेयर हो सीनियर प्लेयर जो आपके ओडीआई फॉर्मेट में थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि T20 में आपका दूसरा कप्तान जा रहा था, सेम वैसा वर्षा का T20 वर्ल्ड कप का सीजन था तो वहां पे T20 टीम में रोहित वगैरह खेल रहे थे। मैं तो 21 के बाद की बात कर रहा हूं ना, 22 में T20 वर्ल्ड कप था, रोहित तो 21 के बाद बने ना, अक्टूबर के बाद कप्तान बने, T20 वर्ल्ड कप था तो हां, T20 वहां पे भी छोड़ी उन्होंने इंजरीज की वजह से बता रहा हूं, एक साउथ अफ्रीका दौरा था, साउथ अफ्रीका दौरा था उसके अलावा कोई नहीं छोड़ा, T20 सीरीज जो घर पे हुई आपकी साउथ अफ्रीका की, उसमें भी केएल राहुल पहले कप्तान बन रहा था, फिर ऋषभ पंत, आईपीएल के बाद था वो, आईपीएल के बाद जस्ट बात था वो, आईपीएल आपने 2 महीना खेला था, तो अब यार 2 महीना खेला कि 3 महीना खेला, भाई कप्तान आप थे ना, आपने अपने हिसाब से रेस्ट लिया, आपने अपने हिसाब से रेस्ट लिया, आपने अपने हिसाब से पूरा रेस्ट लिया, जहां रेस्ट लेना था रेस्ट लिया, जो सीरीज खेलनी खेल ली, जो सीरीज छोड़नी है छोड़ी, और आप भी इंजरी प्रोन थे, आपको भी इंजरीज हुई, आपके बाद 8-9 कप्तान बदले, बदले कि नहीं बदले यार, वो रेस्ट की वजह से बदले, वो इंजरी की वजह से नहीं बदले थे, इंजरी की वजह से बदले, आई रेस्ट की वजह से बदल गए, चलो रेस्ट की वजह से बदल गए, आपने रेस्ट ले लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हार्दिक पांड्या के लिए अभी 26 तक का सफर था, अगर ये बच बचा के जैसे रोहित शर्मा गए हैं 8-9 कप्तान बदलवा के, वैसे हार्दिक पांड्या के लिए भी आप कर सकते थे भाई, अगर ये भी वापस आया है T20 वर्ल्ड कप से पहले आ गया ना, खेल लिया इसने, और T20 वर्ल्ड कप का फोकस है इसका, अब आप चाह रहे हो कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले, खेलना चाहिए इसको, लेकिन सूर्या को क्या पता, लेकिन रोहित एक सेकंड, कोच इस चीज के पक्ष में, गौतम गंभीर वाला भी है, राहुल द्रविड़ जिस चीज के पक्ष में थे कि चलो आपको कप्तान को अगर रेस्ट लेना है और मैं 3-4 कप्तानों, क्योंकि उन्होंने एक बार स्टेटमेंट में बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तो पता ही नहीं चलता एक समय पे कभी कोई कप्तान होता, बकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था राहुल द्रविड़ ने कि हम एक टीम के साथ खेल ही नहीं पाते, कभी कोई कप्तानी कर रहा होता, कभी कोई कप्तान हो जाता, उन्होंने बोला था, अब क्या पता गौतम गंभीर इस पक्ष में ना हो, लेकिन पांडे जी हम अलग अलग कप्तानों के गौतम गंभीर वाला भी पक्ष है, और एक और रीजन है, कप्तान हो वो लगातार हर मैच, नहीं नहीं सुनो, एक और रीजन है, आप बोलो उससे पहले एक चीज एक और है कि गौतम गंभीर वाला तो है, लेकिन जहां तक रोहित की बात थी, रोहित थे आपके तीनों फॉर्मेट के कप्तान, और आप जा रहे थे कि भाई अगर ओडीआई है तो उसमें आप उनको रेस्ट दे दो, हार्दिक सिर्फ दो ही फॉर्मेट खेलता है भाई, अगर दो फॉर्मेट प्लेयर में भी आप ये पिक एंड चूज करोगे कि मैं इस सीरीज में खेलूंगा, मैं इस सीरीज में खेलूंगा, मैं इस सीरीज में खेलूंगा, तो दिक्कत होगी,
थ्री फॉर्मेट कैप्टन आपका जो एक बड़ा प्लेयर है जिसको जिसकी जरूरत है टीम को वो आपका थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या तो सिर्फ दो ही फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें भी वो इतने इंजर्ड हो जाते हैं कभी कभी कि आपको फिर कप्तान बदलने तक की नौबत आती है पिक एंड चूज की। तो शायद इस वजह से पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते कि अगले दो सालों में अभी वो सुप्रीम लीग फिट है, कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इंजरीज की बात है कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आपका जो इंजरी से बाहर रहा हो सिवाय विराट कोहली के, रोहित शर्मा रहे हैं, श्रेयस अय्यर रहे हैं, केएल राहुल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह रहे हैं, जडेजा रहे हैं, रविंद्र जडेजा काफी बार, चलो वो तो रिटायर हो गया, जसप्रीत बुमराह रहे हैं, ऋषभ पंत रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो गया था, केएल राहुल रहे, सारे प्लेयर रहे, कोई भी प्लेयर इंजरी से बचा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या को स्पेसिफिकली बाहर करने का क्या रीजन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट सबसे लॉजिकल तो ये लगता है भाई कि वो इंजरी और सूर्या की किस्मत, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक और मुंबई इंडियंस में क्या होगा, मुंबई इंडियंस में क्या होगा ये देखने वाली बात।